गुड मॉर्निंग। आज हम चार्ट के ऊपर टर्मरिक को देखेंगे। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है टर्मरिक काफ़ी सीमित दायरे में ट्रेड कर रही है। कोई बड़ी हमने तेजी भी आते भी नहीं देखी, तो कोई बड़ा फॉल भी आते भी नहीं। अब पिछले 1-1.5 साल से भी हमने देखा प्राइस काफ़ी कंसोलिडेशन में था, बट अब चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट आने की देरी है। और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हम टर्मरिक में एक अच्छा खासा जंप आते हुए देख सकते हैं। हम अगर टर्मरिक की बात करें तो पिछले 1 वीक में प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन हमने आते हुए देखा, करीबन 1% का। बट मोटा मोटी हमने देखा कि 6300 6400 का काफ़ी अच्छा बेस बना के प्राइजेस ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो थोड़े से बढ़े जरूर थे, बट पानी की कमी की वजह से हमने महाराष्ट्र एरियाज में खास करके देखा, जो यील्ड में उसमें भी ड्रॉप देखा है। तो मेजरली हमने देखा महाराष्ट्र कर्नाटका में जो बारिश की कमी थी, इसकी वजह से स्टैंडिंग क्रॉप को कुछ डैमेजेस और अफेक्ट हुए हैं। इसकी वजह से सेंटिमेंट आने वाले दिनों में पॉजिटिव होने की उम्मीद है। वहीं वहीं हमने देखा कि कोल्ड स्टोरेज में भी जो स्टॉक है वो कम है, तो अगर डिमांड इम्प्रूव होती है, फेस्टिव डिमांड नो डाउट हमने अभी दिवाली की निकलते हुए देखी है, और आने वाले सीजन में डिमांड इम्प्रूव होती भी दिखाई दे रही है, तो प्राइजेस में मुझे लगता है एक अच्छा खासा उछाल देखने मिल सकता है। अगर स्टॉक की बात करें निजामाबाद में ओल्ड और न्यू के, तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड अराउंड 3.88 लाख बैग, जो पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, बट ऑलरेडी प्राइस इसको फैक्टर इन कर चल रहा है। ओवरऑल हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है ये भी हमने 11.63 आया था अगेंस्ट 10.56, इसकी वजह से पिछले 2-3 महीने में हमने प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट आती हुई देखी है। बट ऑलमोस्ट हमने प्रोडक्शन का फैक्टर, स्टॉक का फैक्टर, ये सब डिस्काउंट होते हुए देखे हैं, और प्राइजेस को हमने 7200 से ऑलमोस्ट 6300 का लेवल आते हुए देख चुके हैं। तो डाउन साइड मुझे लगता है काफ़ी लिमिटेड हो चुका है। अब अगर हम सीजनलिटी की बात करें तो सीजनलिटी में मैंने पहले भी कहा था सितंबर में डाउन साइड रहेगा टर्मरिक में, तो सितंबर में हमने यहाँ पे देखा है कि करीबन 1.5% की गिरावट के साथ प्राइजेस ने ट्रेड किया। अक्टूबर में नो डाउट हमने एक कंसोलिडेशन फेज एक्सपेक्ट किया था, और कंसोलिडेशन के साथ प्राइजेस में एक अपटिक भी देखा। नवंबर और दिसंबर जनरली पॉजिटिव रहता है, इस बार हमने नवंबर में प्राइजेस को एक डाउनफॉल जरूर देखा, बट नीचे में 64 और ऊपर में 6800 का भी लेवल होते हुए देखा। बट दिसंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दिसंबर मंथ हिस्टोरिकली अगर 2011 से अभी तक की बात करें तो खाली 2016 में हमने करीबन 5% के आसपास की गिरावट देखी थी। अदरवाइज आप अगर 2012 13 14 की बात करें तो डबल डिजिट से ज़्यादा की बड़ी गिरावट आती हुई देखी, और सेम हमें लगता है कि इस बार के जो फंडामेंटल है काफ़ी बुलिश है, जिसमें एवरेज ये 15 से 16% की तेजी की एक आउटलुक देता है। तो हमें लगता है कि टर्मरिक कमोडिटी ऑफ द मंथ होना ही चाहिए दिसंबर के लिए, ये कमोडिटी में लेके चलना चाहिए। आइए अब हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखते हैं यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन देता है टर्मरिक। ये डेली चार्ट है अप्रैल वायदे का। अगर अप्रैल वायदे की बात करें तो हमने करीबन 2018 अप्रैल से एक अच्छा बॉटम बनते हुए देखा, जो 6300 का था। ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी देखा कि 6300 के आसपास का ही बेस बना है। यहाँ से हमने एक अच्छा खासा प्राइजेस में एक रैली जरूर आते हुए देखा, बट जो ये ब्लू मार्किंग्स आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्राइजेस में एक गिरावट का रूप था, जो लोअर हाई बना रहा है, मीन्स पहला जो हाई है वो तोड़ नहीं पा रहा है। मैं यहाँ पे भी हमने देखा प्राइजेस में थोड़ा बाउंस जरूर था, बट प्रीवियस हाई नहीं काट पा रहा था। अब टेक्निकली मार्केट हमें लगता है एक नीचे अच्छा बेस बन चुका है, जो 63-64 का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं येलो मार्किंग से, और इस बार भी मार्केट यहाँ से अच्छे वॉल्यूम के साथ, और इंडिकेटर्स भी हमने देखा है हैकेनेसी है या MACD है, यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर हम चार्ट पे अगर देखें तो 6670 6650 ये एक अच्छा रेंज है। अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम के साथ तो हमें लगता है प्राइजेस सीधा 7000 का लेवल छू पाएगा, और वहाँ से भी अगर फर्दर अपसाइड देखा जाए तो हमें लगता है 7200 का कंजर्वेटिवली टारगेट है, जो अगले 1 से 1.5 महीने की अवधि में देखने मिलना चाहिए। तो ओवरऑल हमने देखा फंडामेंटल्स, जिस ढंग से हमने देखा प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, स्टॉक ज़्यादा है, ये सब की वजह से हमने पिछले 6 महीने में प्राइजेस को 7500 से टूटते हुए देखा, जो नीचे में 6300 तक का लेवल देखने मिला था। बट अब टेक्निकल्स पे एक ब्रेकआउट आने की उम्मीद है, जो 6670 का एक रेंज है। अगर ये लेवल ब्रिज हो जाता है तो हमें लगता है 7000 से लेकर 7200 का लेवल अगले 1 से 1.5 महीने की अवधि में देखने
मिल सकता है या इससे पहले मिल सकता है। तो हमारी सलाह रहेगी टर्मरिक अप्रैल को लिया जाए करंट मार्केट से। अगर नीचे 6400 तक का भी लेवल आता है तो ऐड करना चाहिए। 6150 का एक प्रिकॉशनरी टारगेट रहेगा, जो ऊपर में हम मिनिमम 7150 का पहला लेवल, अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम 7600 तक का भी लेवल देख सकते हैं। धन्यवाद।